अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मार्केट अपडेट्स के साथ मैं एक मरतबा फिर मौजूद हूँ, और ये मैं आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, मतलब एक बुलिश सिनेरियो आप कह लो, कुछ भी कह लो, वो लेकर आया हूँ। और ये बहुत अच्छा सिनेरियो है, ये देख के आप खुश हो जाओगे और एंड तक देखना है इसको। लेकिन सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि हमें यहाँ पे एक चीज़ को नज़र में रखना है, और वो होती है डॉलर्स की, मतलब यूएसडी की डोमिनेंस। ठीक है, अब यूएसडी की डोमिनेंस का हम यहाँ से देखें तो एक हमारे पास एक चैनल बनता रहा था। यूएसडी की डोमिनेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं आपको भी शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये होता है कि जब यूएसडी की डोमिनेंस बढ़ती है, इसका मतलब ये होता है कि लोगों ने एक्सचेंजेस में अपने कॉइन्स बेच के डॉलर्स रख लिए, मतलब कॉइन्स का वॉल्यूम निकल गया और वो सारा वॉल्यूम जो है डोमिनेंस जो है वो यूएसडी की तरफ आ चुकी है। ठीक है, और जब ये गिरती है इसका मतलब ये होता है कि लोगों के वॉलेट्स में डॉलर्स खत्म हो गए, बल्कि अब उन डॉलर्स को वो कॉइन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल आप यहाँ से देख लीजिए, जो ये नवंबर की स्टार्ट, नवंबर की स्टार्ट से लेके जब ये ट्रेंड इसने पकड़ा है, और बिटकॉइन को अगर आप देखो तो नवंबर की स्टार्ट से ही वो गिरना शुरू हुआ है। सही, इस पॉइंट से वो गिरना शुरू हुआ है और डोमिनेंस। और अब यहाँ पे जो सीन हो रहा है यूएसडी की डोमिनेंस के साथ, वो ये हो रहा है कि यहाँ पे इसका जो एक अप ट्रेंड था, अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज को हटाऊँ तो यहाँ पे आप देखो इसका एक अप ट्रेंड था, उसको यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे देख रहे हो नीचे की तरफ आ गया। अगर कैंडल हमारी क्लोज होती है देन चांसेस है, एक छोटी सी करेक्शन है जो कि यहाँ तक हो सकती है, देन फिर हमारे पास एक डंप के चांसेस है, फिर यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट आ जाती है और वो सपोर्ट ही वाला एरिया है। ओके, तो यहाँ तक हम चांसेस है कि हम यहाँ पे आ जाए, जब डोमिनेंस यहाँ पे आएगी। तो अगर हम चलते हैं, ये तारीख है 4 जनवरी, ठीक है, और हम बिटकॉइन के देखते हैं जाके, तो बिटकॉइन 4 जनवरी को हमारे पास क्या परफॉर्मेंस थी बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन की परफॉर्मेंस हमारे पास यही थी कि यहाँ पे बिटकॉइन था हमारे पास 47,000 से $48,000 तक यहाँ पर बिटकॉइन हमारे पास ट्रेड होता था। ठीक है, तो चांसेस है कि हम जल्द अज जल्द यहाँ पे इस वाले एरिया में ट्रैवल कर जाएं जो कि $48,000 तक है। अब जो एक मज़े की चीज़ जो मैं आपको देख रहा हूँ, जो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज ओपन की, मूविंग एवरेज है 50 मूविंग एवरेज। ओके, अब इसका यहाँ पर आप जादू देखो। ठीक है, आपको दिखा दो, देखो यहाँ से देखो, जब जब हम अपनी इस मूविंग एवरेज से ऊपर होते हैं, ठीक है, हम अपने पिछले 50 दिन के एवरेज एक्शन से ऊपर रहते हैं, उस वक्त हम एक बुल रैली में होते हैं। ठीक है, और वो बुल रैली चलती है। जब हम इसमें आए थे, क्या नाम है, 2019 मार्च में हम इसके ऊपर आए थे, देन फिर हमने काफ़ी कम टाइम में इसके अंदर हमने 278% का बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमने गेंस देखा था। ठीक है, देन फिर हम इसके नीचे गए, हम लोग कंसोलिडेट होते गए एक बेयरिश मार्केट के मोड में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट उसमें कितनी गिरी थी, हमारे पास मार्केट में 47% क्रैश आया। फिर वापस हम इसके ऊपर आए, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने वापस से पंप लिया। ठीक है, यहाँ से पंप हुए और वापस से हम 41 से 42% पंप हुए। देन इसके बाद हम वापस इसके नीचे चले और देखें यहाँ पे मार्केट एक बेयरिश मोड अपना ऑन किया। तो एक चीज़ को समझ लो कि जब जब हम इसके ऊपर होते हैं तब तब हमारे पास मार्केट अच्छी होती है, बुल रैली होती है, जब इसके नीचे होते हैं तब हमारे पास एक बियर रैली चलती है। फिर वापस हम इसके ऊपर आए, हमने एक रिलीफ ले दी, अच्छा पंप दिया हमें। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा बियरिश मोड था बिटकॉइन का, जब यहाँ पे अपना 9 सितंबर 2019 में जब बिटकॉइन अपने इस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, तो आपने जादू देखा, जब ये इसके ऊपर आया तो इसने 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना लिया। देन यहाँ से जो हमें पंप देखने को मिला वो सबसे बड़ा पंप था, और इसको हम एक तरीके से बुल रन कहते हैं। और यहाँ पे हमें 500% का बिटकॉइन के प्राइस में पंप दिखा, इसको बिटकॉइन ने एज अ सपोर्ट वर्क किया। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर बिटकॉइन इसको एज अ सपोर्ट वर्क किया, यहाँ से इसको सपोर्ट पकड़ा, यहाँ से इसको सपोर्ट दिया, यहाँ से इसको सपोर्ट दिया, देन यहाँ से हमारे पास जब इसके नीचे आया, देख रहे हो, जब हम फिर इसके नीचे आ गए तो वापस बिटकॉइन इसके नीचे ही आ गया। और वहाँ पे जब मतलब हम इसके नीचे होते हैं तो हमारे पास एक बेयरिश मोड एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे हम इसके नीचे आए, बिटकॉइन की प्राइस में हमें 50% डंप देखने को मिलते हैं। और ये देखने में आया, जब भी इसके नीचे आए 50% डंप, 40% डंप, 50% डंप आते हैं, जो कि मैं वाला क्रैश है। देन फिर वापस हम इसके ऊपर आए, और इसके बाद जब हम इसके ऊपर आए तो हमने यहाँ पे वापस एक पंप दिया, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे इसके ऊपर आए तो भी ऑलमोस्ट 50% का पंप था। ठीक है, 50% का पंप दिया, देन हम वापस इसके नीचे चले गए। फिर ETF वगैरह कुछ इश्यू हुए थे, इसकी वजह से फंडामेंटल्स अच्छे हुए, बिटकॉइन वापस इसके ऊपर आया, देन वापस एक रिलीफ रैली देखेगी, और यहाँ पे बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोग जो थे वो तकरीबन 18 नवंबर से, जैसे कि मैंने आपसे कहा, जब से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई थी, अभी डोमिनेंस का मैंने आपको चार्ट दिखाया, हम इस चार्ट से घिरना शुरू हुए और हम 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ गए थे। और जब हम इसके नीचे आए तो मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास कितना डंप दिया, 44% तक का हमारे पास डंप दे दिया। देन अब क्या हुआ है, हम वापस इसके ऊपर आ गए, और इसके ऊपर अगर हम एक क्लोजर दे देते हैं तो क्लोजर के बाद शायद इसके हम एक छोटी सी रिट्रेसमेंट करेंगे, तभी मैंने कहा कि 42,000 तक एक रिट्रेसमेंट हो सकती है, देन फिर हमारे पास एक अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको गेम समझ में आ गई होगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके अलावा USD.T के अगर मैं चार्ट को ले जाऊँ, मतलब डोमिनेंस के चार्ट पे ले जाऊँ, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर मैं आपको सब कुछ रिमूव ड्राइंग्स करके समझाता हूँ, एक मिनट देना ज़रा मुझे। ओके, देखो, जब जब इसका उल्टा कर लो, ठीक है, जब जब हम
यूएसडीटी की डोमिनेंस को 50 मूविंग एवरेज से ऊपर देखते हैं, तब तब हम बिटकॉइन के अंदर डंप देखते हैं। ये 10 मई वाला सीन है जब इसकी डोमिनेंस ऊपर होती थी, बिटकॉइन यहाँ पे 30,000, मतलब जब बिटकॉइन 65,000 से गिरा था ना, 30,000 पे, ये वो टाइम है। देन फिर हम वापस जब इसके नीचे आए तो हमने सेप्टेम्बर की रैली देखी जो मार्केट ऊपर आई, फिर अक्टूबर की यहाँ पे हमने रैली देखी जब इसके नीचे, अब वापस इसके ऊपर थी तो हमने नवंबर के डंप देखे, अब वापस हम इसके नीचे क्लोज होने वाले हैं। देख रहे हो मूविंग एवरेज 50 और ये यूएसडीटी डोमिनेंस का चार्ट, क्लोज से देखो तो हम इसके नीचे क्लोज होंगे। जब हम इसके नीचे क्लोज होंगे तो एक रिट्रेसमेंट आएगी और वो रिट्रेसमेंट होगी हमारे इस वाले एरिया तक की, ठीक है। और ये वाले एरिया पे अगर हम आते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस हमें $55,000 तक का परफॉर्मेंस दे सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। तो बस ये एक बुलिश सिनेरियो है जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।